अभी हम लोग बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी का शॉकर फ्रंट वाला। देख सकते हैं कि आयल लीकेज कर रहा है इसमें। इस नोज को पहले बाहर कर लिया है हमने, इससे बाहर करना पड़ता है। देख सकते हैं ये से यहाँ से पूरा हट जाता है ये फ्रंट, और इसे अभी बाहर करेंगे। नीचे दो बोल्ट है, 10 mm का दो बोल्ट है, तो इसे हमने खोल लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, तब ये मड़गार्ड जाके बाहर होगा फ्रेंड। ये दो बोल्ट को अभी बाहर करेंगे और शॉकर को भी बाहर करेंगे। ये दो बोल्ट को हमने खोल दिया है। ये बाहर नहीं हो रहा खींचने से, तो इसे हम ऊपर से चोट लगाएंगे। देख सकते हैं कि ये बाहर हो चुका है। सेम प्रोसेस इसको भी इसी तरीके से करेंगे, हल्का चोट लगाएंगे ऊपर से। देख सकते हैं कि ये बाहर आ चुका है। अब हम इसे रिपेयरिंग करने वाले फ्रेंड। इस नट को खोल लिया हमने फ्रेंड। ये अगर ना खुले तो हल्का सा ऊपर से इसमें चोट लगाएं, ये खुद ब खुद लूज हो जाएगा। इसमें एक तरफ स्प्लेंडर में गाढ़ा और एक तरफ मोटा रहता, देख सकते हैं इसमें सेम है स्प्रिंग। आयल तो सब निकल चुका है इसका, आयल सील खराब होने के कारण। आयल सील निकालने से पहले हम लॉक को बाहर कर लेंगे। देख सकते हैं कि इधर भी सेम स्प्लेंडर वाला ही सिस्टम है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। और ये लिंकी को खोलेंगे और ये बाहर हो जाएगा पाइप, तो इस रॉड में लगा लेंगे हमने। और इसे हम खोल लेंगे भाई। देख सकते कि ये बाहर हो चुका है बोल्ट, और अब इसे हम बाहर कर लेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं कि बाहर हो चुका है, आयल सील को डाल देंगे। और ये स्मॉल वाला बुश को हम यहीं लगा देंगे। और अब आयल सील को इस टूल की मदद से बाहर कर लेंगे। आराम से करूँ तो आयल सील ही खराब हो जाने के कारण ऐसी समस्या। देख सकते हैं पूरा डैमेज हो चुका है। अब इसमें ये नया वाला सील लगाएंगे, इसमें आयल सील चल लगा। इसी तरीके से बैठा लेंगे और ये पुराने वाले से हम इसे ठोक देंगे। बराबर ठोकेंगे ताकि ये बराबर अंदर की तरफ चला जाए। देख सकते हैं कि आयल सील को हमने बिठा दिया और इसके ऊपर वाले लॉक को भी हमने बिठा। अब इसको लगा देंगे फ्रेंड। इसे लगाने से पहले हम ये जो निकला था कैप, इसे हम बिठा देंगे फ्रेंड। उसके बाद लगा देंगे इसे, और लिंकी बोल्ट को हम इसे टाइट कर लेंगे और आयल को डालेंगे। इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसे फुल टाइट कर लिया हमने। अब हम इसे बाहर कर लेंगे और इसमें अब आयल डालने का प्रोसेस रहा। अब हम इसमें आयल डालेंगे। इसमें देखते हैं कि कितना आयल डालना है। इसमें हमें लगता है कि 100 ml लगेगा शायद। इसमें देख सकते हैं, इसमें हमने 100 ml का, इसमें 175 ml रहता फ्रेंड, इसमें हमने 100 ml यूज किया है। देख सकते हैं इसमें हार्ड होगा तो निकाल भी देंगे इसका। और चेक कर लेंगे दबा के कितना ये फ्रेश हो रहा है। अब हम स्प्रिंग को लगा देंगे और
इस बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। इसमें ऑयल जो हमने डाला है फ्रेंड, इसमें 80 या 85 रख सकते हैं, देख सकते हैं हमने 100 ml डाला था, उसमें से इतना निकालना पड़ा, ये हार्ड हो गया था, तो इसमें 80-85 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसे फिट कर देंगे फ्रेंड। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप शॉकर्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसे हमने कंप्लीट कर दिया है लगा के। तो इसी तरीके से करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।